ग्रंथ अध्याय 138 वचन संख्या 1 में लिखा है, प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता रहूँगा। आलेलुया 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 आलेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, एक बार हम पुनः ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर समय में हम प्रभु की उपस्थिति में फिर से प्रभु के सामने आ पाए हैं। हाँ विश्वासी भाइयों और बहनों, आज के समय में हम जहाँ रहते हैं, हम अपने मित्रों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में या समाज में जहाँ हम रहते हैं, अपनी एक पहचान, अपने मूल्य को जानना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब परिवार में हमारे अन्य भाई बहनों को अधिक महत्व दिया जाता है या हमारे दोस्तों के समूह में हमारे किसी और मित्र को ज़्यादा आंका या परखा जाता है, तो हम अपने आप में हीनता की भावना को, पक्षपात की भावना को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। कभी कभी हमें अपने जीवन का मूल्य तक समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक छोटी सी घटना के साथ आइए हम जानते हैं कि हम अपने प्रभु के लिए कितने मूल्यवान हैं, अपने प्रभु को कितने प्रिय हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा 12-13 वर्ष का, एक बार उसके पिता उसे एक घड़ी उपहार में देते हैं। वह बच्चा उस घड़ी को देखकर खुश हो जाता है। उसका उत्साह, उसकी खुशी कुछ ही पलों में थोड़ी कम हो जाती है जब वह देखता है कि घड़ी कुछ पुरानी सी दिखाई पड़ रही है। वह अपने पिताजी से पूछता है, पापा यह घड़ी शायद पुरानी है। उसके पिताजी उसे उत्तर देते हैं, हाँ बेटा, यह घड़ी मुझे मेरे पिताजी ने दी थी और उन्हें उनके पिताजी ने, तो यह घड़ी काफी पुरानी है। उस बालक को थोड़ा सा असमंजस होता है। बालक सोचता है, घड़ी तो मुझे मिली है उपहार में किंतु पुरानी है। पिताजी उसकी स्थिति देखकर बोलते हैं, तुम इसे दुकान पर लेकर जाओ और इसके मूल्य का पता लगाओ। बालक उस घड़ी को लेकर जाता है। सबसे पहले उसे एक स्टेशनरी की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान पर जाकर बालक दुकानदार से पूछता है, मुझे इस घड़ी के लिए आप कितना दाम देंगे? दुकानदार उस घड़ी को देखता है और कहता है, घड़ी तो पुरानी है किंतु यह चालू हालत में है, इसलिए मैं इसके लिए आपको 200 रुपए दूंगा। इतना सुनकर बालक वहां से चला जाता है। वह दूसरी दुकान पर जाता है जहां कपड़े और अन्य साज श्रृंगार का सामान, जिसमें घड़ी भी शामिल होती है, बेची जाती है। वह उस दुकान पर जाता है यह सोचकर कि निश्चय ही मुझे इस दुकान में इसका अच्छा मूल्य मिलेगा। वहां जाकर वह पुनः दुकानदार से पूछता है, मुझे इस घड़ी का क्या मूल्य मिलेगा? दुकानदार उस घड़ी को देखता है और कहता है, इसके लिए मैं आपको 150 रुपए दूंगा। बालक दुकानदार का उत्तर सुनकर चला जाता है। अब वह तीसरे दुकान पर पहुंचता है। यह दुकान वह होती है जहां पुराने चीजों को खरीदा जाता था, उन चीजों को म्यूजियम में रखने के लिए खरीदा जाता था। बालक उस दुकान में जाता है और दुकानदार से पूछता है,
मुझे इस घड़ी का क्या मूल्य मिलेगा? दुकानदार उस घड़ी को गौर से देखता है और उसका पूर्ण निरीक्षण करने के बाद कहता है, यह घड़ी बहुत ही पुरानी है, इसके लिए मैं तुम्हें 2,00,000 रुपए दूंगा। बालक यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसका मन करता है कि उस घड़ी को वो वहीं बेच दे, किंतु पिता ने उससे कहा था कि तुम सिर्फ घड़ी के मूल्य का पता लगाना। वह घर आता है और अपने पिताजी को पूरी बात बताता है। पिता ने उसे समझाया, जिस चीज का महत्व जहां है उसे उस स्थान पर ले जाया जाए तो उसका मूल्य बहुत अधिक होगा। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हम भी गलत जगह पर जाकर अपनी कीमत को तोलते हैं, अपने आप को नापते हैं और अपना मूल्य बहुत ही कम पाते हैं। आज प्रभु हमें अपने पास बुलाते हैं कि हमें बता सके कि प्रभु के सामने हमारा मूल्य क्या है, प्रभु के लिए हमारा महत्व क्या है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, इस वचन को हमने बहुत बार पढ़ा है, सुना है। वही हमारी कीमत जान सकता है जिसने हमें बनाया है। कई बार ऐसा होता है, परिवार में जब एक बच्चा जन्म लेता है उसकी तुलना उसके माता पिता से की जाती है, किंतु हमारे प्रभु ने हमें बनाया है, हमारी रचना की है, अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए प्रभु हमारा मूल्य, हमारी कीमत जानता है। आइए हम मिलकर उस महान ईश्वर के आदर में गीत गाएं, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हम में से हर एक उस परमेश्वर के लिए अति मूल्यवान है। तो खुशी के साथ आप भी हमारे साथ इस गीत को गाइए। प्यार का मूल्य हम नबी इसायस के ग्रंथ अध्याय 49 वचन संख्या 15 में पढ़ते हैं, क्या स्त्री अपना दूधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, उसे छोड़ सकती है? इस पृथ्वी पर हमारे माता पिता हमें सबसे अधिक प्यार करते हैं, हमें मूल्यवान समझते हैं और हमारी माता हमारे ऊपर अपनी जान तक न्यौछावर करती है। किंतु वचन में लिखा है कि यदि माँ हमें छोड़ भी दे, हमें भुला भी दे,
तो हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं बुलाएगा। जब हमारा परमेश्वर हमसे यह कहता है, परमेश्वर हमारे मूल्य को पहचानता है, परमेश्वर हमारी कीमत को जानता है, हम परमेश्वर के लिए कितने मूल्यवान हैं। आइए इस गीत को गाते हुए हम पुनः परमेश्वर के नाम को आराधे, उसको स्तुति दें। चाहे माँ बच्चे को बुला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। परमेश्वर सदा हमें अपनी आँखों में रखता है। चाहे माँ बच्चे को बुला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। अपने हाथे हमारे मूल्य को पहचानता है। Yes, आइए इस समय हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना उसके स्वरूप में की है। इस समय उचित है, इस समय सही है कि हम उस परमेश्वर को आराधें। आइए हम अपने अपने शब्दों में, अपने अपने वचनों में प्रभु की स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 चाहता है कि तुम मेरे लिए मूल्यवान हो, तुम मेरे लिए कीमती हो। कई बार ऐसा होता है कि शैतान हमारे कानों में बोलता है कि हमारा जीवन निरर्थक है, तुम किसी काम के नहीं हो। प्यारे प्रभु, उस समय विश्वास दिलाना, मुझे विश्वास दिलाना कि मैं तेरे लिए कीमती हूँ, मैं तेरे लिए बहुत अधिक मूल्य रखती हूँ। प्यारे प्रभु यीशु, मुझे अपना मूल्य सिर्फ तुझ में ढूंढना है। प्यारे प्रभु यीशु, मेरे जीवन का मूल्य तुझ में। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, धन्यवाद दें प्रभु को। धन्यवाद दें इस सुंदर जीवन के लिए। इस जीवन में प्रभु ने हमें अनेक कृपाओं से भरा है, अनेक वरदानों से भरा है। इससे सुंदर तोहफा, इससे सुंदर उपहार क्या हो सकता है जो प्रभु ने हमें दिया है। हम अपनी स्तुति के अलावा प्रभु को कुछ नहीं दे सकते हैं। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया।